क्यों री रानी, किसी नामर्द का जन्म दिया था क्या? अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुक कर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा,
कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। ए! तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में, धरती उसके हाथ में, आकाश उसके हाथ में। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं, मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। की जान में बचा लूंगा, पर अफसोस है कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनाओ, हमारे बिटवा जिंदा तो है। अब औरतें हमको सिखाएंगी जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई, ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया, सभी का हीरो बन गया, हमारे बेटे को सुला के। इसका चिंता रहना हमारे लिए श्राप होगा। आवाज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कौन सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कवों को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए, हमको कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब गांव के सरपंच हैं, तुम्हारे समर्थक, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुक्रिया। 25 सालों से हम लोग कायरों की तरह जी रहे हैं और आज पहली बार हमें उनसे टक्कर लेने का मौका मिल रहा है। आपने दुश्मन को ललकारा है, हम सब आपके साथ हैं। अब जान भी चले जाए तो गम नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी फसलें जला दो और अपने घर तोड़ दो। फसल जला देंगे तो खाएंगे क्या, घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दों को घर और खाने की जरूरत होती है क्या? जिस फसल पर तुमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की है, उससे तुम्हें प्यार है। अपना सिर छुपाने के लिए जो मकान बनाए हैं, उनसे तुम्हें प्यार है। लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें जो जिंदगी दी है, उससे तुम्हें प्यार नहीं है। क्यों? सम्मान जीवन से कीमती है? मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचेगा। फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद करो ये बदले की लड़ाई। आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई लड़ाई नहीं होगी।
कोई औरत विधवा नहीं होगी और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। जियो और दूसरों को जीने दो। आपन विचार बहुत अच्छे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, पर हमारे दुश्मन नहीं चाहते हैं। तुहार पिताजी को मारा, हम लोगों ने गांव में पैदा होने वाले हर लड़के को यहाँ से शहर भेजते रहे। उन बच्चों को भी उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। पता नहीं अब उनमें से कितने जिंदा बचे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोगों हमेशा मौत के डर से जीते रहे? बिल्कुल नहीं। अकेलेपन का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज के बाद किसी की आंख से आंसू नहीं गिरेगा और ना ही किसी को डर के जीने की जरूरत होगी। शहर गए लोगों को मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बाबा, क्या ये मेरा बेटा है? इसमें नया क्या है? 70 सालों से हो रहा है ये। अरे वो तो इसे त्योहार की तरह मनाते हैं ना, उनको वहां पुलिस चाहिए और ना कोई केस, अपने ही नियमों का पालन करवाते हैं वो। नियम का पालन होना चाहिए, पर उनके नियम और हमारे नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश का संविधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते ऐसी लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। वो क्यों नहीं होंगे सर? आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी को जीने के लिए यही चाहिए, पर उसे ये भी नहीं मिल रहा। हमारे इस जिले के लोग मेरे इस हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं, पर एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं, उनके विनाश के लिए नहीं। अगर आप और मैं मिलकर ये लड़ाई रोके तो क्या ये लोग बदल नहीं सकते? आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं ये समस्या लेकर। आप किसी से डर कर आए हैं या ये सोशल सर्विस है? डर के आया हूँ सर। बेटे की लाश देखकर माँ के आंखों से निकले आंसुओं से डर लगता है। एक बच्चे को अनाथ होकर सड़कों पर रोते हुए देखने से डर लगता है। सर, बहुत डर गया हूं मैं, और इन बातों से आपको भी डरना चाहिए। आपने मदद नहीं की तो मजबूरन मैं हथियार उठाऊंगा, और अगर मैंने हथियार उठाया तो बस 5 मिनट में उस पूरे चंद्रवंशी कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आपकी मदद से यह लड़ाई रोकना चाहता हूं, मुझे लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक का धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर का धर्म निभाऊंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर साहब से कुछ काम था। सब ठीक तो है ना सर? बिल्कुल,